तो और क्या हाल है भाई लोग। अब भाई आज जिस स्कैमर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है अभय माहेश्वरी। जी हाँ, ये वही अभय है जिसके ऊपर एक साल पहले कुछ वीडियोस बनी थी कि ये प्रमोशन के नाम पे स्कैम कर रहा था, प्रमोशन के लिए पैसे ले रहा था, लेकिन ना तो प्रमोशन कर रहा था ना ही पैसे वापस कर रहा था। और जब वीडियो बनी थी तो वीडियो बनने के बाद इसने लोगों के पैसे वापस करे थे। जी हाँ, ये वही अभय है जिसके 2 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर वाला चैनल मैंने टर्मिनेट करा दिया था क्योंकि ये टेलीग्राम पे पबजी और BGMI की आईडी बाय सेल कर रहा था। और इसने उस टाइम पे एक्सेप्ट भी करा था कि आईडी बाय सेल करना गलत है, लेकिन आज भी ये बदस्तूर वही काम कर रहा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, ये वही अभय है जो कि इंडियंस के ही स्कैम किए हुए डेटा को परचेज करके इंडियंस को ही बेच रहा था। और ये चीज जब मैंने एक्सपोज कर दी तो इसने मुझे ही स्कैमर बोल के मेरे ऊपर ही 3 वीडियोस बनाई। और जब इसके ऊपर मैंने लीगल एक्शन लेके इसको लीगल नोटिस भेजा था तब इसने उन 3 वीडियोस को डिलीट कर दिया था। और आज इसके ऊपर वीडियो क्यों बन रही है, क्योंकि ये बंदे ने उसी टेलीग्राम चैनल पे जहां पे ये अपने आप को बहुत ट्रस्टेड बताता है वहीं पे इसने चैनल सेलिंग के नाम पे एक बहुत ही बड़ा स्कैम करा है और पता नहीं कितने ही लोगों के पैसे लेकर रख लिए हैं। उन्हीं में से एक विक्टिम मेरे पास आया था और उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि किस तरीके से इस बंदे ने उसके पैसे स्कैम कर लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसने स्कैम करा है, कितना स्कैम करा है और क्यों स्कैम करा है। तो बस भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के साथ ही आपको कुछ काम भी करने हैं और वो काम क्या है ये सब कुछ मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और उसके बाद जो कुछ भी आपको फील होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, जो मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हुआ है तो उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे संडे को यानी कि 16 अक्टूबर को इसने 4 बजे शाम में एक पोस्ट डाला था जिसमें इसने लिखा था कि सुचैम्प का चैनल सेल के लिए अवेलेबल है जिसकी प्राइस है 2 लाख रुपए। और सेम डे यानी कि संडे को ही रात के करीब 9 बजे इसने एक और पोस्ट डाला जिसमें इसने ये बताया कि इसको 1.5 लाख की पेमेंट मिल चुकी है और 50,000 रुपए पेंडिंग है। यानी कि किसी बंदे ने 1.5 लाख का एडवांस पेमेंट कर दिया है और 50,000 रुपए बचे हुए हैं, यानी कि वो चैनल सेल हो चुका है। और ये चीज हुई थी 16 तारीख को। कुछ टाइम के बाद यानी कि वेडनेसडे को यानी कि 19 तारीख को इसने एक और पोस्ट डाली कि भाई पूरे पैसे हमें रिसीव हो चुके हैं, कुछ पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स डालें और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि सुचैम का YouTube चैनल सेल हो गया। तो अगर आप ऊपर से देखोगे, इसी तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी यहां पे गलत नहीं हुआ है, किसी के भी पैसे स्कैम नहीं हुए हैं और एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू YouTube का चैनल सेल हो गया। लेकिन अगर आप इन्हीं सारे पोस्ट्स को बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा स्कैम किया गया है, कितनी बड़ी प्लानिंग करी गई है और किस तरीके से फेक स्क्रीनशॉट्स डाल के ये सारी चीजें करी गई है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं वो पहला पोस्ट जहां पे इसने सुचैम के चैनल को सेल के लिए डाला था जिसकी प्राइस 2 लाख रुपए थी। इसके बाद अगर आप जो नेक्स्ट पोस्ट है उसमें अगर आप देखोगे जो कि इसने सेम डे रात को 9 बजे पोस्ट करी थी, तो उसमें जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स फेक हैं। क्योंकि देखो, इसमें जो पहला स्क्रीनशॉट है जो 50,000 का स्क्रीनशॉट है उसमें कुछ भी डेट नहीं दिख रही है, कुछ भी डिटेल नहीं दिख रही है, तो उस पे हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरी और तीसरी स्क्रीनशॉट है 36,000 रुपए और 14,000 रुपए की, तो उसमें भी आपको नॉर्मली कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा गलत, क्योंकि उसमें कोई भी डिटेल नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो अगर आप इन्हीं दोनों स्क्रीनशॉट्स के डेट्स देखोगे जो कि ऊपर के ग्रीन वाले बॉक्स में दिख रहा है तो आपको दिखाई देगा। और इसको थोड़ा हम लोग जूम करके देख लेते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये है 14 अक्टूबर 2022 की 2:25 की। अब आप मुझे बताओ कि इस बंदे ने संडे को यानी कि 16 अक्टूबर को ये ऐड डाली थी जिसमें ये सुचैम का चैनल सेल कर रहा था, लेकिन जिस बंदे ने ये चैनल खरीदा उसने इसको पेमेंट कर दी 2 दिन पहले जाके। यानी कि भाई जो टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन की बात हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो एक्चुअल में यहां पे हो रही है, क्योंकि ऐड आई 16 तारीख को और पेमेंट आ गई 2 दिन पहले 14 तारीख को। तो भाई ये तो था पहला प्रूफ कि इसने स्कैम करा है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया है और चैनल सेलिंग के नाम पे इसने स्कैम करा है। तो स्कैम क्या करा है अब मैं आपको वो बताता हूं। क्योंकि जब इसने सुचैम के चैनल को सेल के लिए डाला था उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसको कांटेक्ट करा रहा होगा कि भाई मेरे को भी ये चैनल चाहिए, और उन्हीं लोगों में से एक बंदा था कल्पेश। तो कल्पेश ने अभय को डीएम किया और डीएम करने के बाद अभय ने इसको अपना नंबर दिया और इन दोनों की फोन पे बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद कल्पेश इसको 10,000 रुपए की पेमेंट करता है 17 तारीख को। तो भाई अगर
चैनल 16 तारीख को ही बुक हो गया था, 1.5 लाख रुपए किसी ने दे दिए थे, तो अभय गेमिंग ने 10,000 रुपए कल्पेश से क्यों लिए? अब इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो ये पैसे स्कैम करना चाहता था। और ये पैसे स्कैम करने के लिए अभय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लानिंग करी है, एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाई है, और वो सबके बारे में अगर मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो सबके बारे में मैं बात करूंगा कल की लाइव स्ट्रीम में, कल रात को जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप यही समझो कि 17 तारीख को कल्पेश ने अभय गेमिंग को 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, और उसके बाद 19 तारीख को अभय गेमिंग अपने चैनल पे एक पोस्ट डालता है जिसमें एक पार्ट टर्म एंड कंडीशन वाला भी होता है, जिसमें ये बोलता है कि कोई भी जो एडवांस बुकिंग है या बुकिंग चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल है। अब भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो इसने आईडी बाइसिल के लिए ये टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ये कंप्लीटली इलीगल है, इसका कोई भी लीगल एस्पेक्ट नहीं है, तो किसी भी तरीके का टर्म एंड कंडीशन रखने का इसको कोई भी हक नहीं है। तो कल्पेश और इसके जैसे पता नहीं कितने और भी लोग होंगे, मैं सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकता हूं, लेकिन उन लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि तुमने जो भी एडवांस अमाउंट दिया है वो रिफंडेबल नहीं है और ये चैनल सेल हो चुका है किसी और को। और इतना ही नहीं भाई, विक्टिम्स को ये यकीन दिलाने के लिए कि चैनल सच में सेल हो चुका है, इसने एक और पोस्ट डाली जिसमें इसने दो पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स डाले और वहां पे ये बताया कि भाई पेमेंट पूरी हो चुकी है और ये चैनल सेल हो चुका है। लेकिन अगर आप ये दो स्क्रीनशॉट्स में से ये वाली स्क्रीनशॉट देखोगे तो ये तो पहली स्क्रीनशॉट है जो कि आपको प्रीवियस वाले पोस्ट में दिखाई दी थी, लेकिन ये जो दूसरी स्क्रीनशॉट्स है जिसमें आपको मल्टीपल पेमेंट्स दिख रहे हैं उसमें के नीचे के पेमेंट्स अगर आप देखोगे तो ये 5 डेज अगो के पेमेंट्स हैं और ये पोस्ट उसने डाली थी 19 तारीख को। तो आप खुद सोचो कि जब इसने 16 तारीख को ही ऐड डाली है सुचैम के चैनल को सेल करने की तो 14 तारीख को पेमेंट कैसे आ सकती है। और यहां पे एक और मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसने फाइनल पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स डाले थे उसमें इसने पहले जो पोस्ट करा था उसमें कल्पेश के भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दिया था जो कि ये स्क्रीनशॉट है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखना चाहते हो तो ये रही वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि इसमें इसने गलती से कल्पेश का भी पेमेंट दिखा दिया है तो फिर उसने फाइनली उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, जब वो चोरी करेगा तो कुछ ना कुछ गलती भी जरूर ही करेगा। और भाई ये तो एक बच्चा है और अभी से ही ये इतने बड़े बड़े स्कैम कर रहा है। अब भाई थोड़ी सी डिस्कशन इस बात पे कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखो भाई, होता ऐसा ना कि वंस अ स्कैमर ऑलवेज अ स्कैमर, जिसको हराम के खाने की आदत लग जाती है ना भाई, उसको फिर हमेशा हराम का ही चाहिए। और आप सभी लोगों को मालूम है कि BGMI कुछ टाइम से बैन पड़ा हुआ है और BGMI के आईडी बाइसेल भी जितने लोग कर रहे थे वो बिजनेस भी बहुत ही डाउन चल रहा है। हालांकि मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ इलीगल है बट स्टिल वो डाउन चल रहा है, तो इसी की वजह से ये लोग स्कैम कर रहे हैं। और क्योंकि हराम के खाने की आदत इतनी ज्यादा लग चुकी है इनको कि जब ये स्कैम नहीं कर पाएंगे तब ये दूसरों के घरों में जाके चोरी करेंगे, दूसरों के घरों में जाके डाका डालेंगे, क्योंकि भाई यही इनकी आदत बन चुकी है। तो भाई ये तो हो गई कहानी जो आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से चैनल बेचने का ड्रामा करके इन लोगों ने पता नहीं कितने ही लोगों के पैसे स्कैम कर लिए हैं। और पता नहीं सुचैम को इसके बारे में कितना ही मालूम है या उसको कुछ भी मालूम नहीं है या वो खुद भी शामिल है कि नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। तो ये तो हो गई भाई कहानी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने और कल्पेश ने मिलकर अभय माहेश्वरी के अगेंस्ट में एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दी है जो कि एक्सेप्ट हो भी चुकी है, जहां पे हमने बताया है कि किस तरीके से इसने पैसे ले लिए हैं और पैसे लेकर हमारा स्कैम कर दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको ये बोलना चाहता हूं, ये वार्निंग देना चाहता हूं कि चुपचाप आकर माफी मांग लो और जो कल्पेश के पैसे तुमने स्कैम करे हैं वो पैसे वापस कर दो, वो भी कल की स्ट्रीम से पहले, तब तो हम तुमको छोड़ देंगे, तब तो वो कंप्लेंट हम वापस ले लेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो भाई तुम जेल जाने के लिए तैयार रहना। इसके साथ ही साथ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभय गेमिंग के चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो है वो वीडियो पे जाके आप लोग कमेंट स्पैम कर दो, जितना स्पैम कर सकते हो उतना स्पैम कर दो कि आके या तो अपने आप को डिफेंड करो और बोल दो कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो झूठी है, या तो फिर जो तुमने कल्पेश के पैसे स्कैम करे हैं वो पैसे वापस कर दो। तो भाई लोग बस इतना ही था इस वीडियो में। और हाँ, जो इंस्टाग्राम की डिलीट वाली बात है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब मैंने नियो के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को गॉडेल का फैन बोलते हैं, उन लोगों ने रिपोर्ट करके मेरे इंस्टाग्राम को डिलीट करवा दिया है। और उसके बाद से लेकर अभी तक मैंने कोई भी अपना इंस्टाग्राम का नया अकाउंट नहीं बनाया है। तो अगर आप लोगों को मेरे से बात करनी है या कोई बात मुझ तक पहुंचानी है तो आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो जो कि है heartscope20@gmail.com।
जॉब। तो भाई लोग बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूं आप सबसे मैं कल की लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि कल की लाइव स्ट्रीम में कल्पेश भी आएगा, मैं भी रहूंगा, और अभय को भी मैं इन्वाइट करता हूं कि वो या तो आके अपने आप को डिफेंड करें या स्कैम किए हुए पैसे वापस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.